ये सुबह की शुरुआत हो चुकी है, मीन्स हमारे राखी डे की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन मैंने जैसे कि कहा था कि वो सुबह सुबह ही मेरी फिजियोथेरेपिस्ट आने वाले हैं, तो यस वो आ गए हैं। और वो मुझे बहुत सारे यहाँ एक्सरसाइज सिखा रहे हैं, मीन्स बता रहे हैं कि मुझे आगे आगे कौन सी एक्सरसाइज करनी है। सो ये तो शुरुआत है, उन्होंने मेरे को ऐसे 10-20 एक्सरसाइज बताई, तो धीरे धीरे वो मुझे बता भी रहे थे और इंस्ट्रक्ट भी कर रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ मुझे दे रहे हैं अल्ट्रासाउंड थेरेपी, ये एक्सरसाइज होने के बाद में उन्होंने मुझे किया था एंड इससे मुझे काफ़ी रिलीफ हुआ था तब के तब। और उन्होंने उसके बाद कपिंग थेरेपी भी की, ये देखो स्पॉट्स। तो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, कैसे हैं आप सब। आपको थोड़ी बहुत सारी क्लिप देखने को मिली होगी मेरी फिजियोथेरेपिस्ट जो आई थी उनसे। यस उन्होंने मेरे को एक्सरसाइज बताई, कपिंग थेरेपी बताई, उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया, तो क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। बट अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मम्मी बहुत चिल्ला रही है क्योंकि हमको 9:30 बजे निकलना था और 9:30 मुझे यही बज गए। अभी तो मेरे को नहाना है और वाइगा पहुंचे तक आराम से हमको 11:30 बज जाएंगे। सो फटाफट तैयार होते हैं और निकलते हैं। तो हम चले भाई रामचंद्र जी। तो मैं रेडी हूँ, हम जा रहे हैं बस स्टैंड, मम्मी आ रही है पीछे से। म्यावला म्यावला मेरा म्यावला भाई म्यावला, शाम तक आता मैं सुना, शाम तक आता ठीक है। गाड़ी तो गाइस छूट गई है, पता नहीं अब यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं है दूसरी, देखते हैं कैसा जमेगा। वैसे दो गाड़ी मेरे सामने से गई यार, शिट। तो आज मम्मी है मेरे साथ क्योंकि आज राखी है, तो वाइगा जाना है तो मम्मी है बस में। हम ट्रैवल करते रहते हैं बस में, पर आपके सामने शायद कभी मम्मी मेरे साथ बस में नहीं चली होगी, तो अभी चलते हैं। ये बस चली होती तो अभी हम आ गए हैं वर्धा। यहाँ पे हमको एक युक्ति सूझी, ये जाती है हिंगनघाट बस, बट बीच में आता है वाइगा चौरस्ता, तो हम डायरेक्ट इसी बस से वाइगा निकलेंगे बिना कहीं रुके। तो गाइज हम आ गए यहाँ वाइगाव चौरस्ते पे, ये हिंगनघाट चौरस्ता था जहाँ पे बस वाले ने रुका, वो देखो बस जा रही है। तो यहाँ से हमको आएगा लेने के लिए अनु, एंड मम्मी इज वेरी एक्साइटेड टू गो सेलिब्रेट राखी, क्योंकि मासी भी आई हुई है, मीन्स मेरी मम्मी की सिस्टर भी आई हुई है। जान दे क्या फर्क पड़ता। तो यहाँ पे हमको लेने के लिए आ गया था अन्नु मेरे मामा का लड़का, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा घर दूर है तो इतना वॉकिंग नहीं जा सकते यार, टाइम लग जाता है, इसलिए वो लेने आया था। वाले नहीं, मम्मी खाना खा रही है। अरे यार अन्नु हाय बोल दे, पुनः हाय बोल दे मम्मी। यहाँ पे कर रहे हैं ये लोग बातें, मिलते हैं तो बहुत अच्छे से बातें करते हैं, हमें खाना खा रहे हैं, अच्छा लगता है सब बैठ के ऐसे बातें करते हो तो, और गॉसिप भी बहुत होती है इनके पास में, तो सब बातें कर रहे
इतनी तो बांधते हो, मजा नहीं आएगी तुमको जितना तुमने गिफ्ट देगा। गोलू भैया को भी तिलक कर देंगे अब तक के? नहीं नहीं, एक-एक को करूंगी ना। पेड़ा दे भैया को, दोनों भी भैया को दे पेड़ा। हाँ दे, अरे 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 कहीं का कहीं का सेम कलर है, एक ही फैक्ट्री का प्रोडक्शन। देख देख मारा लॉक चालू है, कर 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 तो मम्मी आई है दूसरे मामा के यहाँ पे राखी बांधने के लिए। वैसे तो मैं भैया भाभी बोलती हूँ, लेकिन इनके जो मम्मी पापा है मींस मेरे नाना नाना जी, उन्होंने चोरी ली है मम्मी की, तो हर साल मम्मी इनको भी राखी बांधने आती है, तो अभी वही शुरू है। अरे अभी नवरात्र में, अभी नवरात्र में आओ मामा जी, बाय। तो हम निकल गए हैं वायगांव से वर्धा के लिए। अभी तक मम्मी के भाइयों की राखी बांधी, अब मैं मेरे भाइयों की राखी बांधती हूँ, मतलब जो वर्धा में हमारे कजिन ब्रदर। तो ये राखी मैंने पापा को बांध दी। हैदराबाद गए थे तो पापा वहाँ से बांध के आए थे, और मैंने मम्मी की भी बांध दी है, और मैंने मम्मी की भी बांध दी है। इन राखियाँ नहीं बांधते, इसलिए एक मोली का ताल, एक बुआ जी की राखी, दूसरी बुआ जी की राखी और तीसरी बुआ जी की राखी, ऐसे तीन राखियाँ हमने बांधी है। तो हम मैंने बांधी है दोनों को भी राखी। पापा की बुआ जी मतलब बहन दूर दूर रहती है, अमरावती रहती है, हैदराबाद रहती है, एक अकोला रहती है, तो उनका आना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए पापा की राखी हमेशा मैं ही बांधती हूँ, तो यहाँ पे भी मैंने राखी बांधी। गाइस अभी बज रहे रात के 12:15। आज का पूरा दिन बहुत ही अच्छा, एक्साइटेड, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा सेलिब्रेशन, बहुत सारा प्यार ऐसा गया। सो सभी को, सभी भाइयों को वंस अगेन मेरे तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। एंड ये वाला व्लॉग करती हूँ मैं एंड, क्योंकि मैं जब से आई मीन्स पापा को राखी बांधा तब से, तो अभी तक एक तो मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुकी थी,
और सेकंड चीज खाना खा लिया, बर्फ का सेक कर लिया, और आज संडे है जैसे कि, तो टीवी पे बहुत सारे शोज आ रहे थे तो वो देख लिए, तो मैं काफी मतलब ऐसे ही थोड़ा मैंने टाइम पास किया क्योंकि पूरे दिन से थक गई थी। सो फिलहाल ये वाला करते हैं व्लॉग एंड, क्योंकि आज का दिन भी होता है खत्म, तो व्लॉग भी तो खत्म करना पड़ेगा ना नेक्स्ट डे के लिए। सो अगर आपको व्लॉग पसंद आया होगा तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना है, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।